हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले डिफरेंशियल इन जस्ट 20 मिनट्स। डिफरेंशियल इन जस्ट 20 मिनट्स में आपको वादा करता हूं फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्टिंग में मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिफरेंशियल की पूरी खुशबू, आपको डिफरेंशियल का पूरा फील, आप डिफरेंशियल में आपको मजा आने लग जाएगा। बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि एक कोशिश रहेगी कि आपके इस 20 मिनट की पूरी वैल्यू चुका सकूं और आपको 20 मिनट के अंदर इतना कॉन्टेंट दे सकूं कि कंप्लीट फिजिक्स में जो डिफरेंशियल यूज होगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ऑल्दो डिफरेंशियल मैथमेटिक्स में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारे चैप्टर्स डिफरेंशियल के ऊपर डायरेक्टली बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स में, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको उतना डिफरेंशियल गारंटी के साथ आ जाएगा जितना आपको फिजिक्स में जरूरी है, जितना आपको फिजिक्स में जरूरी है। तो कोशिश करूंगा कि आपके इस 20 मिनट की वैल्यू चुका पाऊं। कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि क्या ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही। इसके साथ साथ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, इतना फायदा आपको होने वाला है। इतनी सारी शॉर्ट ट्रिक्स, इतनी शॉर्ट टिप्स, इतने सारे यूजफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलेंगे कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, आपको खुशबू आने लगेगी फिजिक्स की और आपको मजा आने लगेगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल। अब यहां से नोट करना, बहुत आराम से, बहुत प्यार के साथ ट्यून चेंज करते हुए चलते हैं भाई। देखिए, कहा जाए कि डिफरेंशियल आखिरकार है क्या, डिफरेंशियल आखिरकार क्या है, तो नोट करो, नोट करो कि डिफरेंशियल एक मैथमेटिकल टूल है। नोट करो, डिफरेंशियल एक मैथमेटिकल टूल है जिसकी हेल्प से हम काफी सारे फंक्शंस को बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कार है, वो कार मोशन में है, किसी सर्टेन टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उस कार की कुछ पोजीशन होगी। पोजीशन को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर उस कार की कुछ पोजीशन होगी और उस पोजीशन के लिए हमने ये इक्वेशन दी, उस पोजीशन को हम इस इक्वेशन से लिखते हैं। तो डिफरेंशियल की हेल्प से हम बता सकते हैं कि इस कार की पोजीशन किस रेट से बदल रही है। डिफरेंशियल की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इस कार की पोजीशन किस रेट से बदल रही है, इस कार की वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है, इस कार की पोजीशन, इस कार की वेलोसिटी किस रेट से बदल रही है। इसके साथ साथ हम ये भी बता सकते हैं, टेंशन नहीं लेना, हम ये भी बता सकते हैं कि इस कार का मोशन कैसा है, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी वाला है या फिर एक्सेलरेटिव मोशन है। सारी बातों को आपको पूरे दिमाग के अंदर बैठ जाएगी, टेंशन ना लो। देखो, मैं आपको पढ़ना सिखाता हूं। जैसे मान लो कभी भी पूरी फिजिक्स में अगर यूज हो जाए, टाइम का डिवाइड लग जाए, तो उसको पढ़ते हैं रेट ऑफ, क्या पढ़ते हैं रेट ऑफ। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे कहता हूं रेट, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम है। मार्केट में जाओगे, आलू खरीदो, बोला रेट क्या है, तो बोला मतलब भाव के बारे में बात कर रहा हूं ना, बोला 5 रुपए किलो। समझ में आया? तो रेट जब मार्केट में जाए तो बोला 5 रुपए किलो, जब बैंक में जाओ तो रेट का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और जब फिजिक्स में आओ तो रेट का मतलब होता है, रेट का मतलब होता है टाइम का डिवाइड। दैट मींस टाइम की बात की जाती है, टाइम की बात की जाती है। तो मैं इसको पढ़ूंगा कैसे, तो याद रखना कि टाइम का डिवाइड है ना, तो बोलो रेट ऑफ डी वाई का मतलब है चेंज ऑफ, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। समझ में आता है? मैं इसको ऐसे ही पढ़ सकता हूं, लेट से मैंने कहा कि रेट, अच्छा यहां पे तो नहीं पढ़ना, रेट का मतलब टाइम का डिवाइड होना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे पढ़ूंगा कि चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम, चेंज इन, डी का मतलब है चेंज, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, चेंज इन ए विद चेंज इन एक्स, चेंज इन एक्स विद चेंज इन टी, चेंज इन वी विद चेंज इन टी। समझ में आया? तो पढ़ने का ये तरीका है। याद रखना कि डिफरेंशियल का यूज क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, किसी बॉडी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मैंने बोला कि क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डिफरेंशियल मेथड। समझ में आया? तो उसको हम डिफरेंशियल की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफरेंशियल एक मैथमेटिकल टूल है। नाउ, तो डिफरेंशियल का जो साइन है, जो सिंबल है, दैट इज डी बाय डी एक्स हो सकता है, डी टी हो सकता है, डी वाई हो सकता है, और यहां पर कौन आता है जिसका डिफरेंशियल हो रहा हो। जैसे यहां पर डिफरेंशियल है वाई का, डिफरेंशियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशियल ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, कमेंट करके बताना। नाउ आगे बढ़ते हैं। कहा जाए कि डिफरेंशियल जब करते हैं तो उसमें दो तरह के टर्म्स यूज होते हैं। कौन कौन से? बोला एक वो टर्म जो कांस्टेंट होते हैं, दूसरा वो टर्म जो वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल, एक वो टर्म जो कांस्टेंट होते हैं, दूसरे वो जो वेरिएबल होते हैं। कांस्टेंट टर्म्स वो होते हैं जो कि टाइम के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ, किसी के भी साथ साथ ना बदले। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि भाई पाई की वैल्यू है, कहीं नहीं बदलेगी, कहीं भी चले जाओ, है ना। 2 की जो वैल्यू है, बोले 2 की वैल्यू 2 रहती है ना, 4 की वैल्यू 4 रहती है। तो कांस्टेंट जो है कभी भी टाइम के साथ नहीं बदलते। डिफरेंशियल में कौन से कांस्टेंट यूज होते हैं, जैसे कि आपको पाई हो गया, 2 हो गया, है ना, और भी सारी चीजें पर बात करेंगे। नाउ, अब हमने कहा कि वेरिएबल क्या होते हैं, बोला वेरिएबल जो
जो बदलते रहते हैं, वेरिएबल वो टर्म्स जो बदलते रहते हैं। तो मैंने कहा कि वेरिएबल दो टाइप के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो वेरिएबल जो दूसरे टर्म पर डिपेंड करें उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो वेरिएबल जो किसी पर डिपेंड ना करें उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन पोजिशन विद चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजिशन विद चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला चेंज इन पोजिशन विद चेंज इन टाइम। इसका मतलब है कि पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ, पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ। जरा सोचो कि टाइम रुक जाए तो क्या हम पोजीशन बदल सकते हैं? बोला टाइम ने आगे नहीं बढ़ रहा है तो क्या हमारी कार आगे बढ़ जाएगी? नहीं। तो याद रखना कि पोजीशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो पोजीशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल, पोजीशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि टाइम किसी के पिताजी के रोकने से भी नहीं रुकता, तो याद रखना कि टाइम किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। चलिए तो आपको बता दिया कि रीड कैसे करते हैं, पढ़ते कैसे हैं डिफरेंशियल को। नाउ अब आपसे कहा जाएगा कि डिफरेंशियल करने का मेथड क्या होता है, डिफरेंशियल के रूल्स क्या हैं। तो आप इतनी सारी बातें समझ गए बेसिक्स, तो अब आप बात करेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल की भी करेंगे। लेकिन पहले आपको बताएं कि डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास जो है एक टर्म है y, और y इज इक्वल टू लिखा है x टू द पावर n, ठीक है। x टू द पावर n में नहीं लिखता हूं मैं, आपको जो फॉर्मूले में नहीं फंसाऊंगा। मैं आपसे कहता हूं लेट्स से आपको जो है x टू द पावर x के ऊपर कोई पावर लगी हुई है, ठीक है। अब आपको इस x का डिफरेंशियल करना है, अब आपको इस x का डिफरेंशियल करना है, तो कैसे करोगे? तो याद रखना कि पावर आएगी आगे, क्या होगा, पावर आएगी आगे, और x जैसा कैसा लिखा, और अब पावर में से एक कम कर दो माइनस वन। क्या x की पावर का डिफरेंशियल अगर करना है तो पावर आएगी आगे, x की पावर में से एक कम कर दो। लेट्स से मैंने कहा कि y इज इक्वल टू है, सारी बातें समझाऊंगा, y इज इक्वल टू लिखा हुआ है x क्यूब, ठीक है। तो y की वैल्यू है ना x क्यूब, तो मैं क्या करूंगा कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। चलिए नाउ अब देखो क्या करेंगे कि x के ऊपर पावर, x टू दी पावर करना है ना, तो पावर आएगी आगे, x की पावर, पावर आ गई आगे, और अब पावर में से एक कम हो जाएगा। तो पावर क्या है, 3 आ गया आगे, अब x की जो पावर है उसमें से एक कम कर दो, दैट मीन्स 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x2। समझ में आया? चलो एक और टर्म लिख दिया हमने, कहा y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू लिख दिया 4t2, क्या लिख दिया, 4t3 लिख दिया, 4t3 प्लस 2t2 ये लिख दिया। अब बोलो अब करो डिफरेंशियल कैसे करेंगे, तो लेट्स से डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, t का करना है ना, t का करना है, इसलिए बोला कि डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। तो कैसे करेंगे देखो, ध्यान से देखना, डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, तो कैसे करेंगे, पावर, पावर, पावर किसके ऊपर, 2t के ऊपर, तो पावर आएगी आगे, तो 4 पहले से दिया है, अब पावर आ गई आगे तो कितना हो जाएगा, बोला 12 हो गया, 12। अब पावर में से कर दो एक कम, तो बोला कितना होगा, 12t2 प्लस, अब देखो पावर आएगी आगे तो 2, टी के ऊपर पावर कितनी है 2, तो 2 2 जा 4, पावर आएगी आगे तो 2 2 जा 4, टी के ऊपर कितना बचा, बोला पावर में से एक कम कर दो, कितना बचेगा, इतना 40, इतना बचेगा नहीं बचेगा, तो समझ में आता है। तो इस तरह से करते हैं डिफरेंशियल, लेकिन इसमें एक बात अधूरी है कि भाई कांस्टेंट का डिफरेंशियल कैसे करें, ये तो वेरिएबल है, ये तो बदलने वाले हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशियल कैसे करें, तो कांस्टेंट के डिफरेंशियल का एक रूल सुनो, कांस्टेंट के डिफरेंशियल का एक रूल सुनो। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि कांस्टेंट अगर अकेला है, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0। क्या बोला, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0, कांस्टेंट अगर अकेला है तो उसका डिफरेंशियल होता है 0। लेकिन कांस्टेंट अगर किसी के साथ है, कांस्टेंट अगर किसी के साथ है तो वहां पर डिफरेंशियल 0 हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है, या फिर मैं कहूं कि ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास जो है यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है, चलो यहां पर एक नंबर लिखा हुआ है 2t प्लस 2, ये इस तरह से इक्वेशन है। अब मुझे बनाना है कि dy अपॉन dt करके दिखाओ, तो क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना, चलो ऐसे देखो, चलो इसको ऐसा कर देता हूं कि ध्यान से देखना, बोला 2t, तो 2, अरे देखो मैं आपको रूल बता दूं, तो क्या भाई 2 के ऊपर पावर है 1, तो 1 आ गया आगे, पावर आ गई आगे, कितना बचा, बोला 2। अब t के ऊपर कितना पावर हो जी, बोला पावर है 1, पावर आ गई आगे, पावर में से एक कम कर दो, बोला 0 प्लस, इतना बचेगा नहीं बचेगा, तो इसका मतलब क्या है कि t के ऊपर पावर 0, t के ऊपर पावर 0, जब किसी भी चीज के ऊपर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1, t के ऊपर पावर 0 है तो उसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी 1। तो याद रखना कि 2t का डिफरेंशियल कितना होगा 2, याद रखो 2t का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में 2, 3x का 3, 4x का 4, 4y का 4,
समझ में आया है ना, तो इस तरह से डिफरेंशियल हो जाता है ना। तो 2t का डिफरेंशियल कितना हो गया, 2t टू पावर 1, तो ये हो गया 2 प्लस। अब देखो 2 के साथ ना तो t लगा है, अब t नहीं लगा तो ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डिफरेंशियल हो गया 0। क्या हो गया, कांस्टेंट डिफरेंशियल 0। देखो 2b क्या था, 2b कांस्टेंट है लेकिन यहां पर इसका डिफरेंशियल 0 नहीं हुआ, यहां पर इसका डिफरेंशियल 0 नहीं है लेकिन यहां पे 2 अकेला लिखा था इसलिए जो है इसका डिफरेंशियल 0 हो गया। समझ में आया। चलो एक बार और बता दूं मैं आपको कि मान लो जो है यहां पर दिया है आपको डिफरेंशियल करना है t का, किसका करना है, t का। अच्छा ये लिखा हुआ है, चलो 60 लिख दें यहाँ पे 60, तो क्या करोगे, लेट्स से आपने किया dy अपॉन dt, तो क्या करोगे देखो ध्यान से, ये देखो 6, अब देखो t के ऊपर पावर है 1 तो ये आ गया आगे, तो आपने क्या कितना लिखा 6, अब देखो t के ऊपर पावर 1 थी, 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, t की पावर 0 और इसका मतलब होता है 1, तो इसका मतलब 60 का डिफरेंशियल किया तो कितना आ गया 6। ये बात समझ में आती है आपको, तो ये डिफरेंशियल का रूल होता है। नाउ अब देखो, अब हम जो है किस तरह से डिफरेंशियल करके पोजीशन वगैरह को जो है निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि आपको एक इक्वेशन दी हुई है, आपको एक इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक इक्वेशन दी हुई है, अब ये क्या है, बोला ये पोजीशन है, क्या है, पोजीशन है, तो आपको निकालना है कि वेलोसिटी, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, वेलोसिटी एट 2 सेकंड है ना, और मान लो कि एक्सेलरेशन निकाल देंगे 2 सेकंड पे, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, बोला पोजीशन है ना, अगर वेलोसिटी निकालना है तो पोजीशन का एक बार डिफरेंशियल, तो ये आपका dy अपॉन dt हो गया, इज इक्वल टू क्या करोगे, 2t स्क्वायर का हो गया 4t प्लस 3d कितना हो जाएगा, 3d का हो जाएगा 3 प्लस 4 क्या है, एकदम 0। समझ में आया, तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी आ गई 4t प्लस 3, मतलब 2 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, 2 सेकंड पर, तो क्या करोगे इस इक्वेशन में t की जगह 2 पुट कर दो, तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 4 2 8 प्लस 3। अब इसका डिफरेंशियल नहीं किया, वेलोसिटी का डिफरेंशियल नहीं किया, केवल टी की वैल्यू पुट किया, इसका मतलब है कि वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकंड। समझ में आई, तो हमने डिफरेंशियल की हेल्प से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकाल दी। चलिए अब मान लो कि अगर मुझे जो है वेलोसिटी के साथ साथ एक्सेलरेशन भी निकालना हो, तो मैंने क्या किया कि एक्सेलरेशन, अगर देखो क्या करते हो, देखो एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी विद चेंज इन टाइम, यानी कि जो आपने वी निकाला है ना, वी की जो इक्वेशन निकाली उसका एक बार और डिफरेंशियल कर दो, तो भाई 4t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, बोला 4, कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 का कितना हो जाएगा, कुछ नहीं लगा, कांस्टेंट है, बोला 0। इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कितनी होगी, बोला एक्सेलरेशन होगी इसकी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। अब इसमें तो t आ ही नहीं रहा, इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन टाइम के साथ साथ डिपेंड नहीं कर रही, इसकी एक्सेलरेशन जो है टाइम पर डिपेंडेंट नहीं है, ये यूनिफॉर्म है। क्लियर हुई। चलिए भाई, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमने मोशन के बारे में बता दिया। तो इस तरह से आप एक बार डिफरेंशियल करोगे पोजीशन का, वेलोसिटी निकलेगी, दूसरी बार कर दोगे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। अच्छा अगर इक्वेशन दी है तो आप जो है इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मान लो अगर साइन कॉस टेन का फंक्शन हो तो वहां पर क्या करना होता है, तो जैसे मान लो यहां पर हमने पढ़ा ना कि 2t स्क्वायर का 4t डिफरेंशियल हो जाता है, 3t का 3 हो जाता है, इसी तरह से साइन कॉस टेन दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के कुछ रूल होते हैं, कुछ डिफरेंशियल होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। अब वो डिफरेंशियल मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ एकदम याद करा दूं, तो याद रखना पहली चीज, जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स साइक एक्स है ना, जैसे साइन कॉस टेन इनके डिफरेंशियल, तो सबसे ज्यादा जरूरी बात कि जितने भी कॉस वाले हैं, जितने भी, अच्छा पहले मैं इसको लिख दूं, ऐसे लिखा जाता है कि डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशियल ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगर यहां टी लगा होता तो बोलते थे डिफरेंशियल ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी। समझ में आया। अच्छा तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई साइन एक्स का डिफरेंशियल होता है कॉस एक्स, जितने भी कॉस वाले हैं ना उनके डिफरेंशियल के आगे माइनस साइन आता है, क्या आता है, उनके डिफरेंशियल के आगे माइनस साइन। अच्छा देखो, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन। अब देखो टेन, टेन का डिफरेंशियल होता है सेक स्क्वायर एक्स, याद करने की ट्रिक बताते हैं आपको, सेक एक्स का होता है सेक एक्स टेन एक्स, याद करने की ट्रिक बताते हैं, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा इसके बाद कॉट एक्स का होता है, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, जितने भी सी वाले उनके आगे माइनस आएगा, कॉसेक एक्स का होता है कॉट एक्स कॉसेक एक्स, कॉट एक्स कॉसेक एक्स है ना, e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है, log x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन x होता है। समझ में आया। अब इसको याद कैसे करेंगे, बोला साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सिंपल है ना, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, सिंपल है। नाउ अब देखो टेन, टेन और sec, टेन और sec, टेन और sec भाई भाई हैं, टेन और sec भाई भाई हैं, याद रखना कि टेन, टेन और sec के भाई भाई हैं, तो भाई घर में पापा है,
पापा लेके आए दो लड्डू, पापा लेके आए दो लड्डू। आज जो है टेन का जो है बड़ा मूड खराब है, बोले टेन ने कहा मैं नहीं खा रहा लड्डू, दोनों सैक को दे दो। किसको दे दो? दोनों सैक को दे दो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि भाई टेन एक्स ने क्या कहा कि दोनों लड्डू सैक को दे दो, इसका मतलब कि दोनों लड्डू सैक को दे दो, इसका मतलब सैक स्क्वायर एक्स। अच्छा अब बोला सैक एक्स। अगले दिन फिर हुआ, अगले दिन टेन ने कहा कि देख मैंने कल का लड्डू नहीं खा पाया, अब मुझे कल का लड्डू दे दे, है ना। तो उसका मतलब क्या हुआ? बोली पापा ने क्या कहा, सैक एक्स, सेक एक्स ने क्या कहा कि भाई पापा अगले दिन जब पापा लड्डू लेके आए तो पापा ने कहा कि मेरा लड्डू मुझे दे दो और टेन का लड्डू टेन को दे दो, है ना, टेन का लड्डू टेन को दे दो, मेरा मुझे दे दो। इसका मतलब क्या है? एक लड्डू सेक को मिला, एक लड्डू टेन को मिला। ठीक ऐसी बात है कि कॉट और कॉसेक भाई भाई हैं, तो उसका मतलब कॉट एक्स, पापा लड्डू लेके आए, कॉट का मन नहीं है तो पापा ने कहा दोनों कॉसेक्स को दे दो, तो दोनों कॉसेक को मिल गए, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का मिला कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि कॉट सी वाला है ना तो माइनस साइन लगाया। अब कॉसेक को दो लड्डू मिले अगले दिन, तो कॉस ने कहा कि मतलब उसने कॉट ने कहा कि भाई अब तो मेरा लड्डू मुझे दे दे, तो इसका मतलब है कि एक बार कॉटेक्स को लड्डू मिला और दूसरा कॉसेक्स को मिला, समझ में आया, कॉसेक एक्स को मिला। ठीक है, तो उस तरह से डिफरेंशियल याद रखे जाते हैं विद टिप्स एंड ट्रिक्स। चलिए तो यहां पर देखो ई टू द पावर एक्स का, ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशियल जैसा कैसा होता है और लॉग एक्स का डिफरेंशियल ऐसा कैसा होता है। नाउ इसके बाद हम अगली बात करेंगे, इसके बाद हम अगली बात करेंगे, और यहां पर देखो, और यहां पर देखो करना क्या है, बहुत छोटा सा काम कि अगला जो रूल है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट रूल। क्या करना है? प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से अपन को उसको समझ लेना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है तो जरा ध्यान देना। प्रोडक्ट रूल का मतलब है कि मान लो अगर हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है y इज इक्वल टू साइन x, या फिर मैं ऐसा बोलूं हमारे पास एक टर्म लिखा हुआ है जैसे कि साइन x, या फिर चलो मैंने cos x, चलो साइन x लिख दे, तो साइन x इंटू टेन एक्स। तो अगर मुझे इसका डिफरेंशियल करना है तो कैसे करूंगा? बोला ये दोनों तो इंटू में है, तो क्या होता है भाई प्रोडक्ट रूल लगाया था। क्या लगाया था? प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल को हिंदी में लिखना प्रोडक्ट रूल, दैट मीन्स अगर डिफरेंशियल करना है दो क्वांटिटीज का, दो टर्म्स का जो कि इंटू में है, प्रोडक्ट में है, तो कैसे किया जाता है? फर्स्ट फ्री डिफरेंशियल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस, ठीक है, सेकंड को फ्री रखो डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। इतना कर पाओगे ना? बस इतना काम आपको करना है कि फर्स्ट को फ्री, फ्री का मतलब है कि फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल नहीं करना, जैसा कहे छोड़ दो, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड को फ्री रखो इस बार और फर्स्ट का डिफरेंशियल। समझ में आया? कैसे करेंगे देखो, dy dx कैसे करेंगे देखो, फर्स्ट को फ्री साइन एक्स को, फर्स्ट फ्री साइन एक्स को जैसा कैसा रख दो, साइन एक्स को जैसा कैसा, ठीक है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, दैट मीन सेकंड वाला कौन है टेन एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है प्लस सेक स्क्वायर एक्स कर दिया प्लस सेकंड फ्री सेकंड, तो इस बार टेन को फ्री रखो जैसा का जैसा, फ्री का मतलब जैसा कैसा, ठीक है, प्लस डिफरेंशियल ऑफ मतलब इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा कॉस एक्स। तो बस ये इतना अपना काम बन गया, और इस तरह से आप जो है इस टर्म का डिफरेंशियल कर सके, बना लोगे, तो ये होता है प्रोडक्ट रूल। मान लो कि आपको जो है एक और क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि डिफरेंशियल करके दिखाओ किसका, लेट्स से डी वाई डी एक्स आपको करना है किसका, जैसे y इज इक्वल टू है e टू द पावर x इंटू साइन x, ये दिया हुआ है e टू द पावर x इंटू साइन x, अब आपको करना है डी वाई डी एक्स, तो क्या करोगे फर्स्ट फ्री फर्स्ट को जैसा कैसा, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल, तो कितना हो जाएगा cos x, फर्स्ट फ्री सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड फ्री सेकंड को जैसा कैसा, फर्स्ट का डिफरेंशियल भाई e टू द पावर x का डिफरेंशियल e टू द पावर x ही होता है। तो आपने इस तरह से प्रोडक्ट रूल समझ लिया, आई होप आपको ये बात समझ में आ पा रही होगी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने जाना कि यदि हमारे दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है तो वहां पर प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है और डिफरेंशियल किया जाता है। अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि यदि हमारी इक्वेशन में डिवीजन रूल लगाना है, डिवाइड में दी हुई है वैल्यूज, तो उसका जो है डिफरेंशियल कैसे किया जाता है। तो याद रखना कि जैसे प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला था वैसे ही डिवीजन रूल का भी फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद करने के लिए हमने एक बहुत ज्यादा शॉर्ट ट्रिक अपनाई है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं, अपनी भाषा का इस्तेमाल किया है बस। आप सभी समझते हो न्यूमरेटर ऊपर वाला, डेनोमिनेटर नीचे वाला, है ना। फॉर्मूला को एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, वो तो अपने दिमाग में स्टोर होना चाहिए, और दिमाग में स्टोर करने के लिए अपनी भाषा से अच्छी भाषा कोई नहीं होती। तो याद रखना कि डिफरेंशियल करने के लिए डिविजन रूल किस तरह से लगाया जाता है। तो देखो क्या करना है कि फॉर्मूला किस तरह से याद करो, नीचे वाले को फ्री रखो,
नीचे वाले को, दैट मीन डिनोमिनेटर को फ्री रखो, नीचे वाले को फ्री रखो, ऊपर वाले का सम्मान, ऊपर वाले का सम्मान करो, ऊपर वाला बहुत मान है, ऊपर वाला बहुत मान है, तो याद रखो नीचे वाले को फ्री, ऊपर वाले का सम्मान, दैट मीन डिफरेंशियल, नीचे वाले को फ्री, डिफरेंशियल ऑफ ऊपर वाला, ठीक है, माइनस, ऊपर वाले को इस बार फ्री रख दो, बोला ऊपर वाला अब हमारा भी सम्मान हो जाए तो नीचे वाले का सम्मान कर दो, समझ में आया, ठीक है, सम्मान मतलब डिफरेंशियल, इसके बाद अपॉन लगाओ और नीचे वाले का स्क्वायर, फॉर्मूला क्या, नीचे वाले को फ्री रखो, ऊपर वाले का सम्मान, माइनस ऊपर वाले को फ्री रख दो, नीचे वाले का सम्मान, अपॉन में आ जाओ, नीचे वाले का स्क्वायर कर दो, कैसे करेंगे तो देखो क्या करना है, नीचे वाले को फ्री, तो क्या करोगे, नीचे वाले को फ्री, दैट मीन्स साइन एक्स को फ्री कर दो, साइन एक्स का कोई डिफरेंशियल नहीं, ऊपर वाले का डिफरेंशियल, तो 2x का डिफरेंशियल कितना होगा 2, माइनस फॉर्मूले का, माइनस फॉर्मूले का, ऊपर वाले को फ्री रखो, दैट मीन्स अब ऊपर वाला कौन है 2x, 2x को फ्री रख दो, ठीक है ना, इनटू नीचे वाले का डिफरेंशियल, तो नीचे वाले का डिफरेंशियल साइन एक्स का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा कॉस एक्स, समझ में आया, चलिए भाई साइन एक्स में क्या करोगे, साइन एक्स का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, तो बस इस तरह से जो है अपन ऐसा किया तो साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा। चेन रूल, चेन मतलब चेन जल्दी चली जाती है जब तक डिफरेंशियल पूरा नहीं हो जाता, जब तक डिफरेंशियल पूरा नहीं हो जाता, तो आप यहां पर हेडिंग बनाए चेन रूल, ठीक है, मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो गई है लेकिन जो है टेंशन मत लेना। नाउ अगर मैंने कहा कि मुझे साइन 2x का डिफरेंशियल करना है, किसका, साइन 2x का, तो क्या करूंगा dy अपॉन dx, किसका, साइन 2x का, देखो तो साइन तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन 2x का बोला cos 2x, साइन 2x का cos 2x, लेकिन अब जो है 2x का डिफरेंशियल और हो सकता है, तो cos 2x sin 2x का तो हो गया cos 2x, अब 2x का और हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, तो इसका डिफरेंशियल कितना आ गया 2 cos 2x, अच्छा एक और करते हैं, लेट से मेरे पास जो है इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ है कि e to the power sin x, e to the power sin x का अगर मुझे डिफरेंशियल करना है, ये y is equal to दिया हुआ, तो कैसे करूंगा dy upon dx is equal to dy कर कैसे करूंगा, भाई देखो e to the power overall, e to the power जो कुछ भी है, e to the power x का डिफरेंशियल e to the power x ही होता है, है ना, e to the power x का डिफरेंशियल e to the power x ही होता है, तो यहां पर क्या है e to the power sin x का डिफरेंशियल e to the power sin x ही होगा, लेकिन यहां पर sin x का डिफरेंशियल और पॉसिबल है, तो sin x का हो जाएगा अब cos x, कितना हो जाएगा cos x, समझ में आया, तो इस तरह से जो है डिफरेंशियल हो जाता है। आई होप आपको ये मेरी बात क्लियर हो पाई होगी, और ये हुआ आपके फिजिक्स में यूज होने वाला कंप्लीट डिफरेंशियल, और आपको अब शायद खुशबू आ चुकी होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बहुत बहुत इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अगर आप मेरे लिए कुछ कर सकते हैं, इस चैनल को थोड़ा सा जो है ऊपर उठा सकते हैं, ताकि और वीडियोज जो है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए, तो उस चैनल की लिंक को कॉपी करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना, ये काम करके आप मेरे ऊपर छोटा सा जो है हेल्प जरूर कर सकते हैं। सो गाइज वीडियो की लिंक को कॉपी करें अभी और अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अलॉट, और आपको जो है कमेंट सेक्शन में बताना है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू गाइज, थैंक यू।